22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और अवध नगरी के लोगों को कई बड़ी सौगातें आज के दिन मिलने वाली हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 10:45 पर विशेष विमान से भगवान राम की नगरी पहुंचेंगे। इसके बाद वो सुबह करीब 11 बजे अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी यहां पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर में करीब 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 8 किलोमीटर लंबा रोड शो रहने वाला है पीएम मोदी का आज, भव्य रोड शो। साधु संत और स्थानीय लोग पुष्प वर्षा इस रोड शो पर करते हुए दिखाई देंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं राजीव, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, अयोध्या के कौन से हिस्से में, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्योंकि आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, उनका भव्य रोड शो भी रहेगा, तमाम तरह के कार्यक्रम रहेंगे। जरा तस्वीर दिखाइए तैयारियों की। देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या के उस स्थल पर खड़ा हूं जहां आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे। इस वक्त मैं अयोध्या एयरपोर्ट के गेट के बाहर खड़ा हूं। वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ यहां पर सजावट की गई है। शहर जो अयोध्या के लोग हैं वो काफी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लोगों को करीब 16,000 करोड़ की सौगात देने के लिए आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर अभी अलाउ नहीं किया गया है जाने का। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये रास्ता है, एक तरफ ये रैली स्थल को जाता है और दूसरा जो एयरपोर्ट है, चंद कदम दूरी पर यहाँ पर एयरपोर्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:45 पर वो अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे भारतीय वायुसेना के जहाज से। उसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट से उनका जो रोड शो है। राजीव, अयोध्या के उत्साहित अयोध्या वासियों से भी बातचीत कीजिएगा। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या तैयारियां की गई हैं, क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, खुशी का माहौल है। 500 सालों के बाद ऐसा माहौल हो रहा है हमारी अयोध्या में। और यहाँ जो एक महर्षि वाल्मीकि नाम से एयरपोर्ट आया, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता था, उसके बाद हम लोगों को गाड़ी मिलती थी, 2 घंटे इधर से जाने का, 2 घंटे उधर से आने का। लेकिन अब हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी दिख रहा है। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है पहले और अब में? पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि अब जाम नहीं लग रहा है, और भी निर्माण कार्य हो रहा है, यहाँ पे पर्यटन ज्यादा बढ़ रहा है। यही अंतर है पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव देखने को मिल रहा है पहले और अब में? बदलाव यही है कि अयोध्या बदल गई है, रोड बन गए हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी फ्लाईओवर बन गए हैं, और पर्यटन स्तर बढ़ रहा है, तो विश्व स्तर पे पर्यटन पे भी नाम हो रहा है अयोध्या का, और मंदिर भी बन रही है, तो काफी सारे बदलाव हो गए हैं। अभी जो बदलाव होगा अभी आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। जैसा कि आपने सीनम सुना, ये अयोध्या के वो युवा हैं जिनका कहना है कि पहले और अब की अयोध्या में एक बड़ा बदलाव कह रहे हैं राजीव। विश्व मानचित्र पर अयोध्या पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, विकास की जो रफ्तार है वो बेहद तेज दिख रही है, और आज से विकास का एक नया अध्याय भी अयोध्या में शुरू हो जाएगा। ऐसा सीएम योगी ने कहा था कि पीएम मोदी के आगमन के साथ ही ये एक अलग से जो है हम कह सकते हैं कि अयोध्या के लिए एक बड़ी सौगात होगी। अपर्णा भी हमारी सहयोगी लगातार वहां से हर तस्वीर दिखा रही है। अपर्णा, आपने लगातार कवरेज की और बहुत सारी आपने ऐसी बातें देखी होंगी अयोध्या में जो पहले नहीं हुआ करती थी, और अब वो चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी की तस्वीर जरा दिखाइए, क्योंकि भव्य तरीके से सजा दिया गया है अयोध्या को, दुल्हन के रूप में सजी हुई आज अयोध्या दिख रही है।
बिल्कुल श्रीराम, देखिए अयोध्या का हर रंग हम न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर भी कलाकार है जो मंच सजा हुआ है, जहाँ पर प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरना है। यहाँ पर ये कलाकार सुबह से ही अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और उससे पहले हम अगर बात करें तो सड़क के उस ओर भी वहाँ पर महिला कलाकार है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस दी जा रही है। सुबह से यहाँ पर रिमझिम फुहारे चल रही है, मौसम काफी ठंडा है लेकिन इन कलाकारों के जोश में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अयोध्या पूरी तरह से बदल गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, पूरी अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और ऐसे कई मंच अलग अलग जगहों पर अलग अलग रास्तों पर लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ से भी प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरेगा वहाँ वहाँ पर कलाकार भी होंगे और साथ ही जो लोग हैं जो दूर इलाकों से आए हुए हैं वो भी वहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए होंगे। यहाँ पर देखिए कलाकारों की एक और टोली यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं लगातार और साथ ही सड़क के दोनों ही तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर परिंदा पर ना मार पाए। इसके अलावा तमाम और लोग भी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। देखिए कलाकार आ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए? यूपी से आए हुए हैं जी। यहाँ पर क्या करने आए हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं इमाम? राय राय। अच्छा, क्या गाएंगी आप? राय है, राय में बुंदेली गीत गाते जी, बुंदेली गीत गाएंगे। ठीक है, देखिए ये बुंदेलखंड के कलाकार है, बुंदेली में राय गीत गाएंगे, यहाँ परफॉर्मेंस के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी अयोध्या को यहाँ पर आप देखिए, कोई भी नहीं जा सकता, हर किसी को यहाँ पर पासेस मिले हुए हैं, सिर्फ वही रास्तों से जा रहे हैं जो गाड़ियां गुजर रही हैं। इसके अलावा पैदल जो जाने वाले लोग हैं उनके पास भी यहाँ पर पासेस हैं और साथ ही देखिए ये यहाँ पर तमाम बैरिकेड लगाए हुए हैं, डिटेक्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो भी यहाँ से गुजरेगा। और इसके अलावा यहाँ पर भी आगे एक मंच लगा हुआ है शीनम, जहाँ पर कलाकार हैं और साथ ही रामायण की चौपाई गाने के भी यहाँ पर जो संत समाज की तरफ से हैं, धर्म गुरु हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं और हर कोई यहाँ पर जा रहा है और देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। उत्साह जो है वो अपने चरम पर पहुंचा हुआ है यहाँ पर। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? जय श्री राम। आप कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से हैं, यहाँ पर किस लिए हैं? मोदी जी के स्वागत के लिए। स्वागत में क्या करेंगे आप? फूलों से बरसात करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे। जी जी हाँ। कोई चौपाई सुना दीजिए। अवधपुरी मम पुरी सिवान उत्तर दिश जहाँ सरयू पावन जी। ये आपके साथ जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी बदल गई अयोध्या स्वामी जी? जी अयोध्या कितनी बदल गई है? लाख बराबर, बहुत तेज बदल गई जी, लाख कदम आगे हो गए। क्या अयोध्या के बारे में कहिए कि अयोध्या की वो रौनक वापस आ गई है? अयोध्या की रौनक वापस आ गई। अच्छा, बिल्कुल अयोध्या हो गई, बिल्कुल स्वर्ग धाम। भगवान राम जो है अयोध्या में पधार रहे हैं, इसके खुशी में जो है उसको हम लोग मना रहे हैं। भगवान की जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर बरात साध कर हम लोग जनकपुर जाएंगे जी। ये बताइए क्या ये किसी और के सरकार में संभव हो पाता? नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो जाएगा। इनका मोदी जी का सरकार से, योगी जी का सरकार से ही हो जाएगा। आप कहाँ से आए? हम साउथ से, कर्नाटक से। आप साउथ से आए हुए? सबने अपना अपना पेटा भरा है, किसी ने अयोध्या के बारे में नहीं सोचा, सब दलित राय। तो किसी ने अयोध्या के बारे में नहीं सोचा लेकिन जब सोचा गया तो किस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए पूरे रास्ते में जहां से भी ये रोड शो गुजरेगा वहां पर सिर्फ आपको इस तरह सजावट और साफ सफाई का काम भी आगे चल रहा है, मंच अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और 1500 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, एयरपोर्ट कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अयोध्या में वो बाय एयर आ पाएंगे और अब देखिए ये सौगात भी आज मिलने जा रही है। देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जब अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं तो अयोध्या की इस बदली हुई रंगत को देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया है कि आखिरकार ये कैसे हो गया इतने कम समय में। लेकिन अब जो ये अयोध्या का कायाकल्प हुआ है ये हमेशा के लिए है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए है। और आगे जो साफ सफाई का कार्य चल रहा है इससे पहले आपको बता दें श्रीराम कि रात भर यहाँ पर साफ सफाई होती रही रात भर, क्योंकि मुख्यमंत्री अयोध्या में फाइनल टच दिया जा रहा है तमाम चीजों को और यहाँ पर साफ सफाई का काम भी चल रहा है। साथ ही साथ सज्जा जो थोड़ी बहुत रह गई है उस पर भी अब काम किया जा रहा है। आप बने रहिएगा
रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। रामगोपाल, आप कौन से हिस्से में मौजूद हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आज पीएम मोदी निकालने वाले हैं, साधु संत पुष्प वर्षा करेंगे, स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे और बड़ी तादाद में लोग आज अयोध्या में दिखने वाले हैं। आप जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, किस तरह की भव्य तैयारी आप देख पा रहे हैं रामगोपाल? बिल्कुल, इस वक्त मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और मेरे साथ ये जो जनकपुर से ये लोग आए हुए हैं और ये लोग भी अभी जो अमृत भारत ट्रेन है उससे सफर करेंगे। तो अभी आप लोग जाएंगे, कितना खुश है अयोध्या बदल के? नेपाल से हैं हम, जानकी मंदिर से नेतृत्व करते हुए 17 आदमी नेपाल से हैं और हम मोदी जी जो हमें रेलवे की जो उद्घाटन में बुलाए हैं, मैं शहर से एकदम खुशी प्रदान कर रहा हूँ और मैं उन्हें जनकपुर धाम से और नेपाल से अभिनंदन करूंगा कि वो हमारे इस रेल में भक्त को जो सेवा देंगे, मैं अति प्रसन्न हूँ। ये नेपाल से आए हुए भक्त, आप कुछ गाना, चूंकि माँ जानकी जनकपुर के थी और ये है तो कुछ गा रही थी। माता जानकी हमार बहिन पाहुन श्री राम, हम अवध जनकपुर से अवधपुर अलिया, बहुत आनंद बहुत खुशी से जा रहा छे, हमारा शांति चाहिए, आराम से हम चल जाए। कुछ गाना भी आप लोग गा रहे थे? हम अबादेपुर में हम बारा दिलेन अयोध्या धाम में भारत ने पाला सांबा जोरल सीता जोरल सीता राम सा गठ बंधन भेला सीता राम जाना सीता राम जनकपुर हमन करबै ककरो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन इन राम भक्तों को आपने देखा और आज के दिन इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं तो इनकी खुशी डबल हो गई है जैसा कि आपने देखा। राजीव, आपके पास मैं आऊंगी लेकिन उससे पहले अपर्णा कुछ जानकारी दे रही हैं, अपर्णा के पास चलते हैं। जी शीनम, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर शंख वादन करने के लिए जो यहाँ पर आए हैं सभी लोग वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या। आप अयोध्या से ही हैं जी, आज यहाँ पर किस लिए हैं? प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए, शंख वादन के लिए। अच्छा, किस तरह स्वागत करेंगे दिखाइए। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा जब वो इस रास्ते से गुजरेंगे। आप अयोध्या से ही, अयोध्या जो बदली हुई है कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर, तो दुल्हन की तरह सजाया गया है अयोध्या को, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, सब लोग बड़े आनंदित हैं। हमारे साथ में भैया है परम आदरणीय श्री, सज्जा आज ऐसी है तो 22 तारीख को जब रामलला आएंगे तब कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी और इसकी सुंदरता बढ़ाई जाएगी अयोध्या की, और अयोध्या बहुत सुंदर हो गई है हमारे प्रधानमंत्री जी की और योगी जी की वजह से, कि हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि जो अयोध्या में रह करके हम लोग ये नजारा देख रहे हैं जी। और साथ शंखनाद से ही किसी कार्य का प्रारंभ किया जाता है, इसलिए शंखनाद हम करने के लिए हम वैदिक ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए हैं जी। तो यहाँ पर देखिए वैदिक ब्राह्मण समूह है यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, उसके अलावा देखिए लोक नर्तक लोक कलाकार भी यहाँ पर हैं, इनके पास चलते हैं। देखिए इसी तरह के पंडाल लगे, कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से हैं। अच्छा, उत्तराखंड से आए हैं, यहाँ पर किस लिए? यहाँ पर मोदी जी का स्वागत करने के लिए। ये कौन सा नृत्य कर रहे हैं आप? हम लोग अवध के उत्तराखंडी हैं। ऐसे रहना, इधर से ले लीजिए फोटो।
हम लोग अवध के उत्तराखंडी हैं, उत्तर प्रदेश के पहले भी रहने वाले थे, आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं। हमारा गढ़वाल का दल यूपी से है, हम लोग गढ़वाल के रहने वाले हैं और आज मोदी जी, योगी जी और आप सबके स्वागत में हम लोग गढ़वाली दल लेके आए हैं। सारे गढ़वाली कलाकार हैं हमारे। बोल बद्री विशाल की, बोल केदारनाथ की। जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप एक बार परफॉर्म कर लीजिए पहले। जी तो देखिए, ये जो लोग कलाकार है उत्तराखंड से, गढ़वाली समुदाय से, गढ़वाली है ये जो यहाँ पर गढ़वाली नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हर कोई अलग अलग जगह से यहाँ इस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए आज पहुँचा हुआ है। क्या कलाकार, क्या यहाँ पर जो आम लोग हैं। बिल्कुल, तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आप देखिए। तैयारी सुबह से चल रही है या फिर हम कहें कि बहुत दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। नृत्य कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं यहाँ पर और साथ ही गीत भी गा रहे हैं। सर मैं जा चली जाऊँ यहाँ से, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर सुरक्षा के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, वहां से हमें निकलना होगा क्योंकि बैरिकेड लाके रास्ता बंद कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या आगे बढ़ रही है उसकी हर एक तस्वीर दिखाना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कहाँ कैसे कैसे यहाँ पर डिस्टेंस पर पंडाल लगाए गए हैं, बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये पंडाल लगाए गए हैं जहाँ पर लोक कलाकार और जो लोग गायक हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि सजावट पूरे रास्ते में की गई है, सड़क के चारों ओर यहाँ पर आपको सजावट देखने को मिलेगी, बड़े बड़े बैनर्स देखने को मिलेंगे और जब प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर गुजरेगा तो आप देख पाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। और साथ ही देखिए सुरक्षा की, जिसकी मैं जिक्र कर रही थी, सुरक्षा के इंतजामों का, ये क्या है, एंट्री गेट है, ये डिटेक्टर लगा हुआ है इसमें, देखिए डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से कोई भी गुजरेगा तो उस जब वो यहाँ से निकलेगा तो उसकी पूरी डिटेक्ट करने के बाद ही वो यहाँ पर निकल पाएगा और पूरी तरह से अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील यहाँ पर कर दिया गया है। बिल्कुल अपर्णा, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे